हम आपको कैसे एड्रेस करें? शुड वी एड्रेस यू एज मेल और फीमेल? एज अ मेल, आई एम अ स्ट्रेट गाय. यू आर स्ट्रेट एंड यू आर मेल? यस सर. ओह, दैट्स 100%. कुछ करके दिखाएंगे आप, जो आपका फेवरेट हो, जिस पे आपने किया हो, जिसमें okay. लड़की बने हैं. कुछ युद्ध तो बहुत वीरों ने लड़े होंगे, लेकिन आज वो समय आ गया है जिसके लिए मानेकशॉ के सपूतों ने जन्म लिया था. अच्छा, जन्म लिया था? तो तुम्हारी तलवारें क्या कहती हैं साथियों? आओ आओ और कर देते हमने शत्रु को लहू से लाल. ए लाल करेगा तू, लाल करेगा तू. जानते हैं मेरे को मैं कौन है? जमुना देवी है मेरा नाम, जमुना देवी. थैंक यू. आई एक्चुअली थॉट दैट वाज वेरी गुड. मुझे तो अच्छा लगा. मुझे तो बहुत अच्छा लगा. दिस इज गुड. और एक्चुअली आप कॉस्ट्यूम में नहीं हो, मगर जब आपने कैरेक्टर स्विच किए तो मुझे लगा कि आपका कैरेक्टर बदल गया. आई कुड एक्चुअली सेंस दैट. थैंक यू सो मच. ईशान. यस मैम. गुस्सा बहुत चढ़ता है? चढ़ता है तो चढ़ता है. कहाँ से स्टेम होता है ये गुस्सा? Like, मेरा जब फर्स्ट रिलेशन था और मुझे समझ नहीं आता था कि उसको कैसे चलाना है. Like, वो अगर बातें छुपाती थी तो मुझे समझ नहीं आता था कि मैं क्या करूँ. तो मैं कई बार इग्नोर मारता था क्योंकि मैं उससे बहुत बड़ा था, 7-8 साल बड़ा हूँ मैं उससे. और शी वॉज माइनर दैट टाइम. तो मुझे गुस्सा आता था, मैंने उसको मारा भी. क्या? आई हेट हर. लड़की कितने साल की थी? शी वॉज 16+. ओके, सो शी इज अ माइनर. तुम कितने साल के थे? 25. क्यों मारा? बिना बताए किसी से मिल रही थी. मैंने उससे पूछा कि मतलब ऐसा है, आराम से बहुत प्यार से बच्चे की तरह पूछा. कुछ नहीं, 2-4 दिन चला, 1 महीना चला. उसके बाद वो छुपाने लगी कुछ और बातें भी, तो मुझे गलत लगा. मैंने उसको बोला मैं तुझे मारूंगा. मारना नहीं चाहता था, मारूंगा, बट तू उसे नेगेटिव सेंस में मत लियो. तुमने क्या कहा? जस्ट रिपीट दैट. मैं तुम्हें एक स्लैप करूंगा. हाँ, बट उसे नेगेटिव सेंस में मत लेना. तो क्यों करेगा? क्योंकि हाँ, तो क्यों करेगा? मतलब अगर तुमको चाहे नेगेटिव सेंस में लेना ही नहीं है, इसको तू कह रहा है नेगेटिव सेंस लिए, क्योंकि ये मत सोचो कि मैं तेरे अगेंस्ट हूँ या तेरे को किसी चीज के लिए रोक रहा हूँ. नहीं, पर क्यों मारेगा? उसको सुधारने के लिए या फिर रफ्तार रफ्तार, क्योंकि मैं इमैच्योर था. अच्छा लड़का है यार, परमिशन लेके मार रहा है. उसके बाद बताओ. हाँ जी, आप सोच भी नहीं सकते, मैंने एक हॉल मतलब रूम था घर पे, मैंने मारा ना, दीवारों से आवाज आई थी. लेकिन दिल से बोल रहा हूँ, आज हम अलग हो गए हैं, बट आज जो कुछ भी हूँ उसी लड़की की वजह से. तो एक तो आपने अपनी गर्लफ्रेंड को मारा. जी. और मैंने पापा को मारा था. पापा को क्यों मारा? पापा को हाँ, उसका भी एक बहुत बड़ा सॉलिड रीजन है. मेरे पापा एडिक्ट हैं अल्कोहल के. स्टार्टिंग से हम देखते थे पापा मम्मी को मार रहे हैं. जब मैं 18 का हुआ मुझे रियलाइज हुआ, क्योंकि मुझे लॉ एंड ऑर्डर पता थे, मेरे अब डिसीजन ले सकता हूँ लाइफ की. अगर मेरी मम्मी के साथ कुछ हो रहा है तो मैं उसको रोक सकता हूँ. मैंने पापा को पकड़ा और दे दिया. वो लड़की के लिए लॉ एंड ऑर्डर भूल गया था तू? किस लड़की के लिए? जिसको तूने थप्पड़ मारा था, जहाँ दीवारें गूंज रही थी. वो तेरे से 10 साल छोटी है. पहले की बात है. पहले की बात है क्या? लॉ एंड ऑर्डर बदल गया तेरा? वो पहले की बात है. मैं बोल रहा हूँ एक मिनट. 18 साल का था जब बाप को मारा था, 24 साल का था जब गर्लफ्रेंड को मारा था. वो पहले की बात कैसे हुई? 6 साल का फर्क है. चौबीस साल में तेरे को ये पता कि बाप को मारना है? तुझे ये नहीं पता कि लड़की को नहीं मारना? और भाई मैं इजाजत देना चाहूंगा. देख, मैं तेरे खिलाफ अभी जो भी करूंगा जी, प्लीज उसे नेगेटिव वे में मत नहीं लूंगा मैं. और मैं तुझे हक करके इतनी जोर के चांटा मारूंगा, पर तू रिस्पेक्ट करियो, क्योंकि मैं चाहता हूँ तू आगे लाइफ में अच्छा करे. तू सुधरे, हम चाहते हैं तू सुधरे. आर यू इमैच्योर? मैं बहुत इमैच्योर हूं. बहुत इमैच्योर है. हम तो तुक्के में बैठ गए यहां पे यार. मैं चाहता हूं कि मैं तेरे 2-3 रख के दूं. ठीक है, अगर इससे मेरे को सीखने को मिलता है, अगर आपको लगता है कि आप बड़े. नहीं, उससे हम सीखेंगे, हम मैच्योर होंगे ना उससे. नहीं, उसके बाद तू जाके बोलना ना कि आज मैं जो हूँ प्रिंस की वजह से हूँ.
एक चांटा खा ले उसके बाद हम हक कर देंगे।